हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेरी टेस्टी रेसिपी। एंड आज मैं आपको बनाना से पैनकेक बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं बनाना। पैनकेक बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, चलिए देख लेते हैं। बनाना पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए बनाना। मैं यहाँ पे एक बनाना यूज कर रही हूँ, इलायची दाना, आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, गेहूँ का आटा, शुगर, अमूल बटर, आप कोई भी ब्रांड का बटर यूज कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध और अचार चिरौंजी। मैं गार्निशिंग के लिए इसे यूज कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है बनाना पैनकेक। बनाना पैनकेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना को छील के स्लाइसेस में कट करके जार में डालकर प्यूरी बना लेना है। चलिए इसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बनाना स्लाइसेस कट कर ली हैं। अब इसमें हम शक्कर, इलायची दाना और दूध डालकर प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम शक्कर, इलायची दाना और दूध डाल लेते हैं। तो चलिए डालते हैं। इसमें मैंने एक चम्मच शक्कर और इलायची दाना डाल लिया है और थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर देंगे। अगर कम हो तो बाद में भी हम दूध डाल सकते हैं। तो चलिए इसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमें प्यूरी तैयार कर लेना है। अब हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे और थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसमें गेहूं का आटा डालकर हम थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें बैटर तैयार करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर और ऐड कर देंगे, फिर हम इसके पैनकेक बनाएंगे। चलिए इसमें हम थोड़ा सा बटर और ऐड कर देते हैं और अपना बैटर तैयार करते हैं। देखिए मैंने अच्छे से बटर इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमारा बैटर पैनकेक बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए इसके हम पैनकेक बनाते हैं। सबसे पहले हमें गैस नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा बटर लगा लेना है। अब हम इस पर अपना बैटर डालेंगे और पैनकेक तैयार करेंगे। चलिए इसमें हम बैटर डाल लेते हैं और पैनकेक। देखिए मैंने एक पैनकेक इस पर डाल दिया है। अब जब ये नीचे से अच्छे से पक जाएगा इसे हम पलट देंगे। चलिए इसे पकने देते हैं, फिर हम इसे पलट देंगे। तो देखिए हमारा पैनकेक नीचे ऊपर से पक गया है। अब हमने इसे पलट दिया है। अब हम इसे नीचे से ही पकने देंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए इसे पकने देते हैं, फिर हम इसे प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बनाना पैनकेक बनकर एकदम रेडी है। इस पर मैंने अचार चिरौंजी डालकर ऊपर से गार्निशिंग कर दी है। आप सफ़ेद तिल या गरी से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो इसे आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको बनाना पैनकेक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप भी इसे घर पर बनाइए और बच्चों को खिलाइए और आप भी इसे खाइए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थैंक यू।